अब और मॉस्को में हमला जो हुआ उसको लेकर कई सनसनीखेज खुलासे टीवी 9 भारतवर्ष करने जा रहा है, क्योंकि यह हमला बड़ा था जिसने रूस को दहला कर रख दिया है। आज यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रशिया, ये खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक पर रूस की बहुत बड़ी धमकी, यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर सकता है रूस, रूसी सांसद ओलेग निलोव का यह बहुत बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है रूस, ये कहा जा रहा है। ड्रोन अटैक के बाद वो भी जिस तरह से मॉस्को को निशाना बनाया गया, पुतिन के प्राइवेट पैलेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, टारगेट करने की कोशिश की गई, उसके बाद रूस भड़का हुआ है और कह रहा है कि अब सारे विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं, सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है रूस। ये रूस के सांसद ओलेग निलोव का बड़ा बयान। तो सबसे बड़ी आशंका यही है कि क्या रूस का न्यूक्लियर इंतकाम अब हम देखने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। आज यूक्रेन का क्या काम तमाम हो जाएगा? यूक्रेन की तरफ से हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने दरअसल ये बहुत बड़ी धमकी दे दी है, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी इससे पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन यह मामला गंभीर नजर आ रहा है। गुस्सा है पुतिन, आज किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। ये जानकारियां, ये खबरें दुनिया को परेशान करने वाली। यूक्रेनी ड्रोन अटैक पर रूसी सांसद ओलेग निलोव का ये बहुत बड़ा बयान हमारे सामने है। रूस आज किसी भी विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है, और ध्यान दीजिए आज की बात की जा रही है, यानी अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत अहम है। रूस ने कहा यूक्रेन के ड्रोन अटैक पर हम कड़ी प्रतिक्रिया देंगे, इसका बदला लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। रूस के परमाणु हथियार ठंडे बस्ते में रखने के लिए नहीं हैं, ये बताता नजर आ रहा है यूक्रेन को रशिया। रूस अटैक के लिए छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, ये बातें कही गई हैं। बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों से अटैक किया जा सकता है। बेलारूस में बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों की तैनाती की गई है और इससे जुड़ी तमाम खबरें टीवी 9 ने आपको दिखाई हैं। रूस और बेलारूस से एक साथ हो सकता है यूक्रेन पर हमला, यानी ये द सन के हवाले से जो अहम खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो अगले 24 घंटे में यूक्रेन का काम तमाम करने की योजना बना रहा है रशिया।